सागर जिले के समस्त कर्मचारियों द्वारा वेतन विसंगति सहित अन्य मांगों को लेकर की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना बैठक अभी भी जारी है, जहां पर मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत के सचिव रोजगार सहायक के साथ साथ समस्त कर्मचारियों द्वारा आज से कलम बंद और कार्यालय बंद हड़ताल और धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, जिसमें बताया कि छठवें वेतनमान और अनुकंपा नियुक्ति वेतन का श्रेणीकरण, मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण और सहित अन्य मांगों को लेकर धरना दे रहे। साथ ही कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। इसमें बड़ी संख्या में जिला संयोजक उदय गौतम, जनपद अध्यक्ष संजीव राजौरिया, सतीश चौधरी, नोशे मियाँ, ML चौधरी, सुधीर सिन्हा, अनिल सोनकर, गोटी राम अहिरवार, जय श्री अहिरवार, आरती सूर्यवंशी, हुकुम सिंह जाहर, साथ ही में कैलाश रजक, दिनेश अहिरवार, मुन्ना सिंह, राम मिलन ढाना, साथ ही में आदि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश पंचायत एवं गाँव विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर हमारा कल से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पूरे हमारे 734 ग्राम पंचायतों, 11 जनपदों और ज़िले में प्रारंभ हो गया है। हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो संविदा पर विभिन्न विभाग योजना में संविदा पर कर्मचारी पदस्थ है, चाहे आजी कमीशन हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे DRDO हो, चाहे वाटरशेड हो, सबको नियमित किया जाए। साथ ही हमारे रोजगार सहायक संघ के जो अंशकालीन लिखा हुआ है उन्हें संविदा किया जाए। साथ ही 2 साबित होने पर उन्हें लंबनी कार्रवाई की जावे और 2018 की नीति लागू किया जाकर नियमित कार्रवाई की जावे। इसी प्रकार हमारे सचिव संघ की जो मांग है कि हमें छठे वेतन का लाभ नियुक्ति दिनांक से दिया जाए और 7 वेतन का भी लाभ दिया जाए। इसी प्रकार हमारे ADO संघ की मांग है कि 288 की जो भर्ती नियम है उसके अनुसार समय अनुसार वेतनमान क्रमोन्नति दी जावे। इसी प्रकार हमारे जिला जनपद पंचायत के जो मूल कर्मचारी हैं उनके जो पेंशन बहाली के संशोधन आदेश जारी किए जावे। इसी प्रकार हमारे ऑपरेटर संघ की मांग है कि इन्हें भी हमें तत्काल जिनको हटाया गया उन्हें वापस किया जावे और नियमित किया जावे। कुल मिलाकर के हमारे सभी संगठनों की मांग इसमें शामिल है और हमारे इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे सभी 18 संगठन विभाग के सभी एक पंडाल के नीचे या एक फोरम के नीचे आकर के अपनी मांगों को लिए कटिबद्ध हैं। हमारी सभी मांगें जायज़ हैं, जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक के हमारा धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। कब तक चलेगी धरना? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत गठित संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 18 संगठनों की लंबित मांगों को लेकर हम लोग सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक शासन हमारी मांगों का समाधान नहीं निकाल देता है, उनको हल नहीं कर देता है, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सागर से सुनील लड़िया की रिपोर्ट।